हाय गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी फायर टाइप पोकेमॉन। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। अगर हम फायर टाइप की बात करें तो फायर टाइप एक स्ट्रॉन्ग टाइप है और फायर टाइप अटैक्स काफ़ी सारे टाइप्स के सामने सुपर इफेक्टिव है, जैसे कि बग, ग्रास, आइस एंड स्टील टाइप के सामने। तो इसलिए फायर टाइप एक स्ट्रॉन्ग टाइप है। टॉप 5 में आता है अर्कनाइन। अर्कनाइन एक प्योर फायर टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 1 से, और आर्कनाइन को एक लेजेंडरी पोकेमॉन भी कहते हैं। और आर्कनाइन के पास काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक्स भी है, जैसे कि एक्सट्रीम स्पीड, फायर ब्लास्ट। और आर्कनाइन एक ब्रेव पोकेमॉन है, तो इसीलिए मैं आर्कनाइन को टॉप 5 में रखता हूँ। तो टॉप 4 में आता है मैग्मोटोर। मैग्मोटोर एक प्योर फायर टाइप पोकेमॉन है और मैग्मोटोर जनरेशन 4 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और मैग्मोटोर एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और मैग्मोटोर के पास काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक्स भी है, जैसे कि फ्लेम बॉडी, फायर ब्लास्ट और फ्लेम चार्ज जैसे काफ़ी सारे अटैक्स हैं। तो इसलिए मैं मैग्मोटोर को टॉप 4 में रखता हूँ। तो टॉप 3 में आता है ब्लेजिकन। ब्लेजिकन एक फायर एंड फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 3 से, और ब्लेजिकन फायर और फाइटिंग टाइप अटैक्स भी कर सकता है। और ब्लेजिकन के पास काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक्स भी है, जैसे कि ब्लेज और हाई जंप किक, ब्लेज किक और ब्लेजिकन मेगा इवॉल्व भी हो सकता है। तो इसलिए मैं ब्लेजिकन को टॉप 3 में रखता हूँ। टॉप 2 में आता है इन्फर्निप। इन्फर्निप एक फायर एंड फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है और इन्फर्निप एक स्टार्टर पोकेमॉन है जनरेशन 4 से, और इन्फर्निप के पास काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक्स भी है, जैसे कि ब्लेज, फायर पंच, फायर स्पिन जैसे काफ़ी सारे अटैक्स है। और इन्फर्निप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पोकेमॉन है, तो इसलिए मैं इन्फर्निप को टॉप 2 में रखता हूँ। तो टॉप 1 में आता है हम सबका फेवरेट पोकेमॉन चारिज़ार्ड। तो चारिज़ार्ड के बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। नहीं गाइस, मजाक कर रहा था। तो चारिज़ार्ड एक फायर एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है और चारिज़ार्ड काफ़ी सारे टाइप्स के अटैक्स भी कर सकता है, जैसे कि ड्रैगन रेंज, ड्रैगन टेल, फायर ब्लास्ट, डिग अटैक, स्टील विंग जैसे काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक्स भी कर सकता है। और चारिज़ार्ड मेगा इवॉल्व भी हो सकता है, तो इसलिए मैं चारिज़ार्ड को टॉप 1 में रखता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।